हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमन एडिट्स मैन। गाइस कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। एंड आज करेंगे कार फोटो एडिटिंग, कार डार्क फोटो एडिटिंग, ठीक है, जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग करेंगे। एंड तो आप लोग बिफोर वाला आफ्टर फोटो जो है देख सकते हो, स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है। तो मैंने जो कुछ इस टाइप से फोटो क्लिक किया था, ठीक है, तो आप लोगों को भी कुछ इसी टाइप से फोटो क्लिक करना है। एंड आप लोग को इस फोटो का भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप लोग देख के अच्छे तरीके से मतलब फोटो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग को मतलब इजी पड़ता है। एंड तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो कर देना एक लाइक कर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड विदाउट वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक साथ को ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट, ठीक है, एंड इसको कर देते कट। एंड यहाँ पर सिंपली मैं पहले बैकग्राउंड ले लेता हूँ, तो ये रहे हमारी बैकग्राउंड। तो पहले इसको टूल से जाके यहाँ पर रिसाइज कर लेना, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ एंड लिखा हूँ 3089, ठीक है, 98 एंड डन। एंड उसके बाद ऐड फोटो पर आके इमेज को जो है पहले लगा, यहाँ पर मैं फुल रोटेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैं फोटो को इरेज किया था, तो यहाँ पर कुछ कुछ मतलब पार्ट रह गया, ठीक है, तो मैं पहले इसको सही करता हूँ। एंड आप लोगों को फोटो कटआउट नहीं करना है तो वन क्लिक में, तो बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ पर देख के सीख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है अपने मतलब इस पर जो है अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है, देख लेता हूँ। पहले ओपेसिटी को कम कर देना है, मतलब ज़्यादा तक दिक्कत ना हो लगाने में, ठीक है, और चेक कर लेता हूँ। तो ये सही है, तो इसको ओपेसिटी कम कर लेते हैं, चलते हैं इरेज पे। और यहाँ पर इरेज वाला ब्रश लेके यहाँ पर जो हमारे हैंड पर आ रहा है उसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है, तो साइज को अपने हिसाब से रख सकते हो। ओपेसिटी को 100% ही रहने देना, ठीक है, एंड हार्डनेस को 70 ही रहने देना, ठीक है, यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। ये सही है, उसके बाद यहाँ पर जो है इसको इरेज कर लेना, ठीक है। एंड इस साइड पे कर लेते हैं, इसको कर देते हैं टर्न। एंड ओपेसिटी फुल करके यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एंड ये हो गया। एंड यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये भी सही है, तो इसको कर देते डन। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है शैडो क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर टूल्स पे आना है, यहाँ पर कर्व पे, और इसको थोड़ा सा नीचे करना है। एंड इरेज वाला ऑप्शन करना है, कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। एंड ये वाले ब्रश लेकर हम हार्डनेस को 24 रख लिया हो, एंड ओपेसिटी को 26, एंड साइज को अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं रख लिया 31, ठीक है, जस्ट इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर शैडो क्रिएट करना है। एंड इसको कर देते हैं डन। एंड यहाँ पर देख लेते हैं कितना रखना है, आई थिंक इतना सही है, ठीक है, उसके बाद कर देते हैं डन। एंड उसके बाद फिर से हम इमेज चलते हैं ऐड फोटो में। एंड यहाँ से जो क्या बोलते हैं उसको हाथ हो रहा है उसका पीएनजी लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ले लेता हूँ। एंड इसको इस तरीके से फिल करेंगे, एंड यहाँ पर जो है उसी तरीके से यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। एंड जो कर देते डन। एंड यहाँ से ओपेसिटी जो कम कर लेना,
ताकि ये जो एक जेड का पार्ट है वो हमें दिख सके। ठीक है, तो यहाँ पर इरेज का ऑप्शन में आके यहाँ पर हार्डनेस और साइज को आप लोग इतना ही रखना है, यहाँ से इरेज कर लेना है जो हमारे बाकी का पार्ट हैंड पर आया है। ठीक है, कर देते हैं डन, रेफ्रिजरेटर को फुल कर देते हैं एंड आना है एडजस्ट में एंड यहाँ पर सेचुरेशन में आके इसको पूरा इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, मतलब डिक्रीज करना है, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज कर लेना है एंड ऐसे कर देंगे डन एंड यहाँ से फिर से हमें जो है शेडो क्रिएट करना है। ठीक है, एंड यहाँ से इसका मैं डुप्लीकेट लिया हूँ एंड इसको पूरा फुल कर लेना है इस तरीके से, इसको उल्टा करना है। ठीक है, ऐसे चेक कर लेते हैं, यहाँ को इसको इस तरीके से लगाना है, इसको पहले फील रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, इस साइड यहाँ पर इस वाले पार्ट को रखना है। ठीक है, यहाँ से ओपेसिटी को 33 ठीक है ऐड कर देना है एंड यहाँ पर से फिर से ऐड फोटो पर आते हैं जो है इसको मैं पहले क्रॉप कर लेता हूँ, जो गाड़ी का हैंडल होता मतलब इसको क्या कहते हैं ड्राइविंग करने वाले उसको हमें क्रॉप करना है। ठीक है, तो इसका मैं PNG बना के आप लोगों को दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से इजीली लगा लिए डाउनलोड कर लेके लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ इसको, बस वो कम कर लेता हूँ इसको कर देते हैं टर्न एंड ये सही हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ड्रो टूल में आके अपने इमेज को सेव कर लेता हूँ एंड चलते हैं लाइट रूम मोबाइल फोन में, वहाँ पर सिंपली कलर ग्रेडिंग करना है। यहाँ पर मैं लाइट रूम मोबाइल फोन को ओपन कर लिया हूँ एंड यहाँ से मैं पहले अपने फोटो को ले लेता हूँ एंड तो हमारा फोटो जो है वो आ चुका है। ठीक है, सिंपली चलते हैं लाइट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर एक्सपोजर को थोड़ा सा ना बढ़ाना है। ठीक है, एंड कंट्रास्ट को कम करना है। सॉरी गाइस, यहाँ पर मेरा मोबाइल जो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है, कम करना है एंड हाईलाइट्स को भी कम करना है एंड शैडोज को थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, एंड वाइट्स को उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, एंड चलते हैं कलर पे, यहाँ पर आना है मिक्स में, थोड़ा सा मतलब ये जो हमारा स्किन के कलर है उसको मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको कम करना है इस तरीके से कम एंड इसका लुमिनस को इसको देख लेते हैं, लेकिन हमारा फेस जो है थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। ठीक है, तो इतना रख लेता हूँ मैं एंड उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट पर आके यहाँ पर क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड विगनेट को थोड़ा सा विगनेट देंगे अपने फोटो में, टेक्सचर को भी थोड़ा ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, चेयर दिया हुआ। ठीक है, एंड आना डिटेल्स में एंड यहाँ पर थोड़ा सा शार्पनेस को ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि हमारा फेस जो है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो ये सही है। एंड चलते हैं कलर्स में एंड यहाँ पर आते हैं ग्रेडिंग में एंड हाइलाइट्स में चलते हैं एंड यहाँ से लोगो फोटो को इस साइड इस तरीके से रखना है। ठीक है, एंड यहाँ से इसको लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड ब्लेंडिंग को यहाँ पर फुल कर देंगे एंड बैलेंस को मैं देख लेता है, तो यहाँ पर इतना रखना है। ठीक है, एंड ब्लेंडिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं एंड उसके बाद आते हैं इस कलर पे शेडोज पे, शेडोज को थोड़ा सा ऐड करेंगे, कर लेते हैं डन एंड उसके बाद आता है ट्रेंड के थोड़ा सा बढ़ाया घटा सकते हैं, देख सकता हूँ देख लेता हूँ मैं कितना रखना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया हुआ चाहे एंड ट्रेंड को, तो
इसको भी थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है। मैंने यहाँ पर कर दे रिटर्न, आते हैं यहाँ पर सिलेक्टिव में, इन्हें से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस वाला सेव पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग को छोटा सा यहाँ पर सेव लेना है, यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करके रखना है, यहाँ पर इन्वर्ट का ऑप्शन आएगा तो इन्वर्ट कर देना है, एंड इसको अपने फेस पर रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आते इफेक्ट में, थोड़ा सा क्वालिटी एड करेंगे, डार्क करेंगे अपने बैकग्राउंड को इतना, थोड़ा सा डिजायर को भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अपन कर देते हैं डन, एंड उसके बाद इमेज सेव कर लेते हैं, चलते हैं एड ऑल फोटोशॉप फिक्स में, यहाँ पर फाइनल डॉज एंड बर्न करना है, अपने फेस को स्मूथ करना है एंड हेयर को भी एडिट करना है, ठीक है। तो मैं इमेज पहले सेव कर लेता हूँ, कर देते हैं डन, एंड उसके बाद चलते हैं एडोब फोटोशॉप फिक्स में। एंड आ चुका मैंने अपने एडोब फोटोशॉप फिक्स में, एंड यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, एंड इस वाले मोबाइल वाले आइकन पर, एंड यहाँ से जो अपने इमेज है इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पहले चलते हैं इस तीन नंबर में ऑप्शन है उस पर, एंड यहाँ पर वार पे आना है, एंड यहाँ से अपने साइज को कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना रख लेता हूँ मैं, एंड फोटो को जूम करेंगे, अपने हेयर को एडिट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर उठाएंगे हेयर को, तो इस तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा, एंड आप लोग को मतलब हेयर जिस एंगल में जा रहा है उसी एंगल में मतलब खींचेगा, ठीक है, आराम आराम से, वरना आप लोग फोटो जो ख़राब हो जाएगा। इसको कर देंगे डन, उसके बाद आते हैं लाइट्स पे, एंड यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पहले आते हैं डार्क पर, एंड यहाँ पर जो है अपने मतलब साइज को यहाँ पर फुल रखना है, एंड हार्डनेस को पूरा कम, एंड ओपासिटी को यहाँ पर 19 रख लिया हो, एंड अपने जो मतलब बैग से इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। एंड बॉडी पर भी कर दोगे यहाँ पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा मतलब फेस पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा इसी तरीके से, फेस पर नहीं आना चाहिए। इसको कर देते हैं डन, एंड यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ओपेसिटी को देखेगा लोगों बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम रखूँगा, 93 रख लिया हूँ, कर देंगे डन, एंड उसके बाद लाइट्स पे आते हैं, अब करना है डॉज एंड बर्न, ठीक है। तो सिंपली साइज को यहाँ पर मैं सेटिंग करके रखा हूँ, तो साइज को आप लोग 29 रख सकते हो, एंड हार्डनेस को पूरा कम रखना है, ओपासिटी को 7 या 8 रख सकते हो, ठीक है। मैं इतना ही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ओपासिटी को 7 या 8 रखेगा, ठीक है। एंड आप लोग को अभी मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर अपने गालों को पेंट करिएगा, ताकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा लाइट मतलब शो हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी कर लेता हूँ, साइड साइड भी, एंड अब जो है अपने कपड़ों पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से साइड साइड से मतलब ड्रॉ करूँगा, ठीक है। जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पर मतलब लाइट शो होना चाहिए, तो वहाँ पर आप लोग कर सकते हो अपने बॉडी पर, ठीक है। ये जो हो चुका है, एंड यहाँ पर से मैं पहले यहाँ से आप लोग कम भी ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसको कर देते हैं टर्न, एंड फिर से लाइट वाला बजाना है, एंड फिर से डार्क, एंड इसको फुली रहने देना है, एंड जस्ट अपने इस पर करना है, ठीक है, इस तरीके से। डन, अब फाइनल है फेस स्मूथ, इसको हम फेस स्मूथ कर लेते हैं, यहाँ पर स्मूथ लिखा है, एंड यहाँ पर जो है साइज को मैं सब कुछ मिला के रखा हूँ, तो साइज को आप लोग को 33 रखना है, एंड हार्डनेस को 34, एंड ओपेसिटी को
35, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को अपने गालों पर मतलब अपने फेस पर जो पेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से। डन एंड यहाँ पर जो हमारे फोटो जो एडिट हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो कितने प्रॉपर तरीके से जो मैंने इसको एडिट किया है, ठीक है। तो आई होप करता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो में समझ ही गए होंगे, एंड जितने भी बैकग्राउंड पीएनजी मैंने इस वीडियो में यूज किया है ऐप्स, उन सब का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले फोटो को सेव कर लेते हैं, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं देखा उस पर क्लिक करेगा आप लोगों का फोटो जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड तो मेरा काम खत्म, एंड मिलते हैं इसी तरह का किसी इंटरेस्टिंग एडिटिंग के वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।